तो रूम में पहुंचे हैं। ये एक रूम है और भैया, और ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं, और मेरी दुआ है आप लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, आबाद रहें। तो इसी नेक दुआ के साथ आज वीडियो शुरू करते हैं। तो टाइम तकरीबन हो रहा है 6 का, और अभी जो हम जा रहे हैं जिशान फैमिली का घर देखने। वैसे तो हम कई बार गए हैं, लेकिन मैंने सोचा आप लोग को अपने चैनल पे विज़िट करवा दूं। वैसे मेरे चाचू के चैनल पे, निशान के चैनल पे तो आप लोग देख चुके हैं, तो मेरे व्यूवर्स काफ़ी अरसे से बोल रहे हैं, तो मैंने सोचा आज जो है ना टाइम निकाला है तो विज़िट जो है ना करवा देती हूँ। अब अल्हम्दुलिल्लाह कम्प्लीट काफ़ी हद तक हो चुका है, और अभी आज मौसम बहुत ही अच्छा बना हुआ था। सुबह सारा दिन ऐसे समझे हवा चलती रही है, अभी भी चली हुई है, और मौसम बहुत ही अच्छा है, इस वजह से गर्मी बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी जाते हैं हम, साथ ही तो है, तो चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लेना है, वीडियो को लाइक भी करें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो शेयर भी करें। तो माशाल्लाह से किचन में पहुंच चुकी हूँ, और आज जल्दी देखी चली हुई है तंदूरी पे। आज हम बना रहे चने की दाल, तो वही बॉयल हो रही है क्योंकि इसे 2 घंटे पहले बॉयल करना पड़ता है। और अम्मी के साथ में अस्सलाम वालेकुम, और जानवर आप लोग देख सकते हैं। आज हमने उनको रोटियाँ भिगो के रखी थी, तो भूसे के साथ वो मिक्स की हैं, लेट फिर इनको घास डालेंगे। तो अभी फिर इसे उतार के रख दें, ये जल ना जाए। नहीं जल्दी, पानी ज़्यादा डाल दे जी। तो चलते हैं फिर, तकरीबन 10-15 मिनट तो लगेंगे, फिर वापस आते हैं। पहुँच चुके हैं हम यहाँ, ये बैक साइड वाली दीवार है, और ये देखें सारी ये वाली जगह तो रेत ही रेत है। यहाँ से बाइक निकाल के ये देखिए जाना मुश्किल है, क्योंकि यहाँ पर ना ट्राले वगैरह आती रही है। अभी अंदर चलते हैं, और हम इनके गेट देखा है आपने पहले, उससे पहले आई थी, यहाँ बाद में भी आई है, एक दफा मैं 2-3 बार आई हूँ। तो माशाल्लाह बहुत प्यारा लगे गेट ये ना लगा हुआ है। फरहान को देखे नीचे घुस गया है, लॉक है ना, उस साइड से भी दरवाजा है, इस वजह से खोलेगा अभी। मट्टी अभी पूरी नहीं आई ना, इस वजह से नीचे मट्टी होगी बराबर हो जाएगा, कलर भी हो गया। ये देख, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, ये मट्टी सारी बहुत ही खुला से हमें प्यारा से हम है। और ये दीवार पे ना नहीं, ये देखिए ये शीशा जो है ये चुनवाया है, क्योंकि फिर ऐसे ना चोर वगैरह खतरा होता है सर्दियों में, तो काम एक बार होता है फिर अच्छा हो जाए, ज़्यादा बेस्ट है। और ये चलते हैं, तंदूरी भी लगी हुई है, देखिए हम इधर आएंगे। देखिए गर्म है, आग भी जलाई हुई है ना, इस वजह से यहाँ पे ना ये थोड़ा सा चूल्हा बना दें। फिर अभी किचन जो है इनका नहीं बना, बस इनका रूम है साथ में, कह लिए वो तो आप सब आपको लोग को दिखाती हूँ, बाकी किचन जो है वो नहीं बना अभी इनका, तो फुर्सत भी नहीं है, इतने ज़्यादा महंगाई है इस वजह से। तो बस आप सब लोगों ने जो है ना सपोर्ट करनी इनकी, और अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि इनके सारे काम जो है वो आसानी से पूरे हो जाएँ, तो अल्लाह ताला इनको इस जगह में रहना जो है नसीब करे, आमीन। आगे चल, तो रूम में पहुंचे हैं, ये एक रूम है और साथ में ये जो है ना ये गैलरी है, और ये देखें सामान कुछ इनका आज धोया, ये देखें ये मक्खीदान 2 हैं। चलते हैं, 4 पाइयाँ पड़ी हैं रूम में, ये देखें कलर हो गया है अंदर से, ये प्लास्टर वगैरह आपको, ये देखें हमारे जो है छोटी सी बनवाई सामान वगैरह रखने के लिए, सारे बर्तन धो के यहाँ पे रख के हमने टेबल वगैरह भी लिए हैं, और बाकी ये इनका चेक कर सकते हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा रूम है, और विंडोज है ना, अभी इसका शीशा भी अब रह गया है, बाकी तो वैसे ये लग चुकी है, बस शीशा आना है इसके अंदर। तो अभी कैसा लगा है आपको? बहुत अच्छा सोना आपको। ये देखें ये 3 गाटर लगी हुए हैं, और हम कुछ नहीं करेंगे, ये 3 गाटर लगे हुए हैं, एक बनवा रहे थे इस वजह से, फिर उनके पहले जो घर था ना उसका सामान भी था, तो फिर इस वजह से इतनी ज़्यादा फुर्सत तो नहीं थी कि दूसरा बनवा दे, इसलिए एक बनवाए वो बड़ा बनवा दे, फैमिली भी है नन की, फिर इस वजह से अभी इतनी गर्मी ना हो, बस है पंखे वगैरह तो सिस्टम निज़ाम जो है वो तो नहीं है अभी, तो जैसे ही बनेगा फिर जो है शिफ्ट हो जाएंगे। तो अभी चलते हैं गैलरी में, तो अभी गैलरी में पहुँचे हैं, और उसका डिज़ाइन माशाल्लाह से चेक कर सकते हैं, ये देखिए बाहर से बहुत ही प्यारा है। है वैसे ये ऊंची ऊंची जगह है ना, हमारा तो घर है उसे है नीचे है, ये काफ़ी मतलब मिट्टी डाल के फिर ऊपर बनवाए ना, हवा फुल लगती है, ये गैलरी में आराम से बैठे रहें, छत वाला पंखा लगा दें कोई मसला नहीं है ऐसे ठंडी मौसम में। तो अभी यहाँ पे वाशिंग वगैरह बहुत सारा सिस्टम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए इनकी मशीन वगैरह, और वो बाहर वाला दरवाज़ा वहाँ पर लगाया हुआ है, और ये
पानी का हैंड पंप भी लगा हुआ है। तो ये है वॉशरूम, तीन बनवाए हैं इन्होंने। और ये पीछे वाला हिस्सा आप लोग दीवारें वगैरह चेक कर सकते हैं। तो सारी दीवारें तकरीबन टोटल कंप्लीट हो गई हैं, टोटल ये देखिए खुलासे हैं और प्यारा घर बन गया इनका माशाल्लाह। तो बस हम तो यही दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इनके नसीब करे रहना और जहाल ज़िंदगी गुजारे। तो बाकी जो मेरे अब्बू के मामू हैं उनकी मकफ़रत के लिए आप लोगों ने दुआ करनी है, अल्लाह ताला ने जन्नतुल फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। और अभी भी मुश्किलात उनके लिए बहुत ही ज़्यादा आई हैं, तो अल्लाह ताला बस सब्र दे। तो इतनी जल्दी इतनी मतलब आसानी से तो सब नहीं भूल सकते, बहुत ही ज़्यादा मतलब याद आती हैं, लेकिन जो चले जाते हैं वो दोबारा वापस नहीं आते। तो बस ये तो ज़िंदगी है, चल रही है। और अभी हमारे दाल भी वहीं चढ़ के आए थे, तो चलते हैं घर फिर। बाकी आप लोग को मैंने विज़िट करवा दिया है, तो उम्मीद है आप लोग को भी अच्छा लगा होगा घर। कुछ ही चीज़ें रह गई हैं, लेकिन सारी चीज़ें एक साथ तो नहीं बनती, टाइम लगता है, वक्त लगता है, इंशाल्लाह बन जाएंगी। वापस हम आ चुके थे, तो मैंने अम्मी से कहा कि दाल जल तो नहीं गई थी, लेकिन शुक्र है बन गई थी। और अभी आग जला रही हैं, तो देखें रस्ते आज सब्ज़ी नहीं ली ना, इस वजह से टमाटर भी नहीं है। चलो कोई कोई नहीं, घी अम्मी डाल दी, प्याज वगैरह काट लिए, खाना जो है वो रेडी कर रही हैं। ये आज तंदूरी इतनी ज़्यादा गर्म नहीं है, गर्म है वाइट नहीं हुई ऐसे ना, तो अभी माशाल्लाह से रोटी लगा रहे हैं और सालन जो है वो रेडी हो चुका है और कोई नज़र नहीं आ रहा सेहन में आज। ये देखे ना चार पौएँ निकली हैं, गर्मी की शिद्दत फिर दोबारा से हवा सो गई है, तो इस वजह से आज काम भी नहीं किया, फिर उधर चले गए हैं, तो अंदर बैठे रहे हैं बस ऐसे समझें। गर्मी की वजह से इतनी सुस्ती होती है ना, कोई काम भी नहीं होता ऐसे ना, लेकिन फिर भी घर का काम करना पड़ता है, खाना वगैरह बनाना पड़ता है। आप लोग कहते हैं आपकी तो अम्मी बनाती है, आपको क्या गर्मी लगती है? मुझे वैसे गर्मी लगती है। अभी घास काटने गए हैं अबू, अभी अबू घास काटने गए, इस वजह से ये जो है ना बुला रहे हैं। तो अभी जो है खाना अम्मी ने बना लिया है, रोटियां बस पक रही हैं, तो खाना खाते हैं, चारपाइयां वगैरह सारी बाहर निकालते हैं, सेट करते हैं, कोई भी काम से आज नहीं किया। उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो है वीडियो की एडिटिंग वगैरह करेंगे। और अभी यहाँ पे मैं देख रही थी, आई ना मुझे नज़र आया है, ये देखें जैसे निशान वगैरह घर का लगा है ना, बच्चों ने यहाँ पे लगा के छोटा सा टूटता है ना, टूटते रहते हैं, तो लगा दिया है पागलों ने। और अभी पता नहीं फरहान जो है वो कहाँ गए, सारे बच्चे कोई आज घर में नज़र ही नहीं आ रहा। अबू तो घास काटने गए हुए हैं, वो भी सारा दिन ऐसे ही घूमते रहते हैं, नहाते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बस उनके बच्चे को क्या काम है, अभी छुट्टियाँ हैं ना इस वजह से। और ज़िलहज जनस ईद भी करीब आ रही है, तो एडवांस में आप सब लोग को ईद मुबारक। आप लोग के काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि इस ईद पर आप लोगों ने शॉपिंग अभी तक नहीं की, तो फ़िलहाल अभी जो है शॉपिंग अभी नहीं की क्योंकि इतनी गर्मी है, तो टाइम भी नहीं मिला। इंशाल्लाह करेंगे ज़रूर एक दो दिन में ही, यही साथ में चौक है हमारे, वहाँ पर काफ़ी सारी दुकानें हैं, क्योंकि हमने कोई ज़्यादा फैंसी तो लेने नहीं है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह वैसे तो गर्मी के कपड़े हमारे हैं, वैसे ही गर्मियों के ही लेंगे वैसे भी। तो आज की वीडियो आप लोग को उम्मीद अच्छी लगी होगी, जिशान वगैरह के घर भी अच्छा लगा होगा। तो वीडियो कभी करते हैं एंड, वीडियो के आखिर में भी मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाई के लिए यही दुआ करूँगी कि अल्लाह ताला आप सब लोग को सेहत तंदुरुस्ती और लंबी जिंदगी दे, सब लोगों पर अपना खास करम फरमाए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोबारा, अल्लाह हाफिज़।